जी कमाल कर दिया आपने। सर मेरा काम। पीयूष तू ऐसे कैसे कर सकता है? क्या चाहिए? मैं तेरी सगी बहन हूँ और पापा ने ये प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम पे की थी। देखो ऐसा है, कब किसने किसके नाम क्या किया ना मुझे नहीं पता। आज कोर्ट ने ये कहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है तो ये मेरे ही नाम है और हिस्सा चाहिए। चलिए पीयूष मेरी बात तो सुन। आर्या पीयूष तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? देखो नाम्या दीदी का कॉल आया था मेरे पास में और परसों जो भी कोर्ट में हुआ उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो अब उन्होंने घर में आग लगाना हमें शुरू कर दिया है? इसमें आग लगाने वाली कोई बात नहीं है, ये सच्चाई है पीयूष। पापा की प्रॉपर्टी पे जितना हक तुम्हारा है उतना ही उनका भी है। तुम यूँ बेमानी से सारी प्रॉपर्टी नहीं हड़प सकते हो। यार देखो ऐसा है ना कि ये तरफदारी करने की जरूरत नहीं है किसी की, समझे? तुम फॉरन में जॉब करने गई हो तो उसी पे ध्यान दो, यहाँ क्या चल रहा है मैं खुद संभाल लूंगा। अरे लेकिन पीयूष तुम मेरे। लेकिन क्या, और वैसे भी बाप की प्रॉपर्टी पे ना हमेशा से बेटों का अधिकार रहा है, समझे? शाम को कॉल करता हूँ तुम्हें। अरे पीयूष तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी पीयूष मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं वापस लौटा दूंगी, मुझे उधार दे दे। ये कौन सा नया तरीका है पैसे निकलवाने का? तरीका कोई तरीका नहीं है, मुझे गुड्डू के लिए अरेंज करने है, प्लीज उसकी फीस देनी है, कल लास्ट डे है और अगर कल फीस नहीं गई तो पूरा साल खराब हो जाएगा गुड्डू का। यार दीदी मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब क्यों आती हूँ बार बार परेशान करने के लिए? पीयूष तूने मेरे हक की पूरी प्रॉपर्टी छीन ली, मैंने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, लेकिन ये पैसे गुड्डू के लिए और फिलहाल मुझे तेरी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज। वो मेरी बेटी होने के साथ साथ तेरी भांजी भी है। कोई हक नहीं था तुम्हारा उस प्रॉपर्टी पे, समझी? और वैसे भी ना आज पूजा है मेरे घर पे, मैं नहीं चाहता कोई खामखा का ड्रामा हो यहाँ पे, इसलिए चुपचाप चले जाओ यहाँ से, समझी? दोबारा मत आना कभी। गुड मॉर्निंग, प्लीज कम इन सिट। मैम मेरी रिपोर्ट्स आने वाली थी आज। जी ये देखिए, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से आपकी दोनों किडनीज डैमेज हो चुकी हैं, हमें एज सून एज पॉसिबल आपका किडनी ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। किडनी ट्रांसप्लांट? जी। कोई तो सॉल्यूशन होगा मैम इसका? नहीं, आई एम सो सॉरी बट इट्स टू लेट नाउ। आप प्लीज जितना जल्दी हो सके डोनर अरेंज कर दीजिए। देखिए एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से आपके दोनों किडनीज डैमेज हो चुकी हैं, हमें एज सून एज पॉसिबल आपका किडनी ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। जी डॉक्टर साहब मैं गलत हूँ आपके पास? नहीं सर ट्राई तो कर रहा हूँ बट कुछ नहीं था। ठीक है सर। देखिए आप जितना जल्दी हो सके एक डोनर अरेंज कर दीजिए। देखिए आप प्लीज उठिए मत। डॉक्टर मैम मैं यहाँ हॉस्पिटल में। एक्चुअली दो दिन पहले आपके कुछ नेबर्स आपको यहाँ पर लेकर आए थे एंड इंस्टेंटली हमने आपका किडनी ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। किडनी जी? पर मैम मैं तो एक महीने से डोनर ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ, मुझे तो कोई नहीं मिला।
आप ही के एक फैमिली मेंबर ने हमें कॉन्टैक्ट किया था किडनी डोनेशन के लिए। फैमिली मेंबर मैम? कौन? आपकी सिस्टर नाम्या जी। नाम्या दीदी? मैम मैं उनसे मिल सकता हूँ क्या? कौन से वार्ड में है वो? नहीं आप प्लीज़ उठिए मत, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। मैम प्लीज़ एक बार मिलवा दीजिए मुझे उनसे। देखिए हमने पूरी मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद ही ये ट्रीटमेंट शुरू किया था एंड उनके सारे टेस्ट भी नॉर्मल थे, लेकिन एक्सेसिव ब्लीडिंग और इन्फेक्शन की वजह से शी डाइड। मैम ऐसा नहीं हो सकता। Please, you take some rest. दीदी मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और हाँ दोबारा बता रहा हूँ, मैं जिंदगी भर सिर्फ पैसे के बारे में सोचता रहा और आज मेरे पास सिर्फ पैसा रह गया। फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ अ फैमिली शुड बी सेंसिबल एंड म्यूचुअल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप एंड इट हैज टू बी हैंडल्ड विद केयर। दैट्स इट फॉर दिस स्टोरी। सी यू नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज एंड स्टे पॉजिटिव। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.